नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल तीनों करंट अफेयर आपके होंगे तो आप सभी लोग जो वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक पूरा देखेगा और सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे ये आपके पार्ट टू तो है इसके पहले पार्ट वन अपलोड हो चुका है जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा प्ले में वीडियो आपको मिल जाएंगे साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन भारत ने किस अभियान हेतु भारत ने किस अभियान हेतु विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के साथ में 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत जो है विश्व बैंक के साथ में 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है नीति आयोग के एसडीजी डी जी एस डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है तो केरल राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है वह राज्य सरकार जिसने कोविड 19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा जो योजना है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है तो असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है ठीक है नेक्स्ट है कि 25 मई 2021 को भारत सरकार ने किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सी का नया निर्देशक नियुक्त किया है तो सुबोध कुमार जासवाल को सुबोध कुमार जासवाल को नेक्स्ट है कि 25 मई 21 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के किस शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी गई है तो अद्दू शहर में कहां पर अद्दू शहर में खोलने की मंजूरी दी गई है मालदीव के भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास ठीक है नेक्स्ट है कि 23 मई 2021 को मनाए गए विश्व कछुआ दिवस की थीम क्या है तो थीम इसका है टर्टल्स रॉक टर्टल्स रॉक इसका थीम है ठीक है नेक्स्ट है कि 15 मई 2021 को अमेजन ने ध्यान रखिएगा अमेजन ने निःशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा किस नाम से लॉन्च करने की घोषणा की है तो मिनी टी के नाम से मिनी टी के नाम से 15 मई 2021 को एम एम ए खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं उनका नाम क्या है अर्जुन भुल्लर अर्जुन भुल्लर ठीक है नेक्स्ट है कि 7 मई 2021 से आयुष मंत्रालय ने अपनी पॉली हर्बल औषधि आयुष चौसठ के साथ किस एक ध्यान रखिएगा किस एक औषधि को जो है कोविड 19 संक्रमित रोगियों को वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है तो काबा सूरा कुडुनीर काबा सूरा कुडुनीर एक औषधि को जो है वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में लुप्त प्राय अफ्रीकी वायलेट पौधा खोजा गया है तो कहाँ पर खोजा गया है मिजोरम राज्य में खोजा गया है हाल ही में जो है भारत के किस राज्य में लुप्त बराय अफ्रीकी वायलेट पौधा खोजा गया है तो मिजोरम राज्य में खोजा गया है हाल ही में एवरेस्ट की सबसे तेज़ चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला पर्वतारोही का नाम क्या है तो इनका नाम है तेसांग इन हंग तेसांग इन हंग किस देश के हैं तो हांगकांग देश के हैं नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना का वह विध्वंसक जहाज जो 21 मई 2021 को सेवा से रिटायर हो गया तो उसका नाम क्या है आई एन एस राजपूत आई एन एस राजपूत ये किससे लिया गया था तो ब्रिटेन से लिया गया था ठीक है नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रमो प्रमोचित पुस्तक सच कहूँ तो किस भारतीय अभिनेत्री की आत्मकथा है तो नीना गुप्ता का किसका है नीना गुप्ता का आत्मकथा है सच कहूँ तो नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कल सोलर प्रोब ने जिस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है वह ग्रह है वो कौन सा ग्रह है तो शुक्र ग्रह है ठीक है कौन सा ग्रह है तो शुक्र ग्रह है वह राज्य जिसने हाल ही में राज्य के कार्यरत पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड उन्नीस बारियर घोषित किया है तो उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है जो पत्रकार जो पत्रकार हैं उन्हें फ्रंटलाइन फ्रंट लाइन कोविड उन्नीस बारियर घोषित किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा नोट कीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद नेक्स्ट है कि वह देश जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव निरुपेंद्र मिश्रा को अपने देश के राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड और सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है तो किसके द्वारा जापान के द्वारा ये सम्मान दिया गया है ठीक है जापान के द्वारा ये सम्मान दिया गया है नेक्स्ट है कि हाल ही में हाल ही में जो है भारत में हेलीकॉप्टर इंजनों के लिए एकल एक क्रिस्टल ब्लेड विकसित करने वाला संस्थान कौन है तो डी है इसे फिर से देखिए हाल ही में जो है भारत में हेलीकॉप्टर इंजनों के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड विकसित करने वाला संस्थान कौन है तो डी है 24 अप्रैल 2021 को किस देश ने अपनी दंतक परियोजना के साठ वर्ष पूरे होने पर डायमंड जुबली मनाई तो भूटान ने किसने मनाई भूटान ने। नेक्स्ट है कि वह देश जिसने हाल ही में बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है तो कौन सा देश ने जो है बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है तो सऊदी अरब ने नेक्स्ट है कि 21 अप्रैल 2021 को आयोजित सी सी एस एच कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइस एंड कलिनरी हब्स के पाँचवें सत्र की मेजबानी करने वाला देश कौन बना है तो अपना देश भारत बना है 20 अप्रैल 2021 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर काबिज़ देश कौन है तो नॉर्वे को पहला स्थान मिला है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है भारत को कौन सा स्थान मिला है आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया तो कब मनाया गया 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया हाल ही में सम्पन्न हुई सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत का स्थान कौन सा है तो भारत को तीसरा स्थान मिला है 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की दसवीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नापूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है तो प्रियंका मोहिते प्रियंका मोहिते कहाँ की हैं तो सतारा महाराष्ट्र की हैं नेक्स्ट है कि 16 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर रोपैक्स जेट्टी परियोजना को मंजूरी दी है यह नदी अस्थित है तो जो आपके धामरा नदी है ये कहाँ पर स्थित है उड़ीसा राज्य में स्थित है कहाँ पर स्थित है उड़ीसा राज्य में स्थित है नेक्स्ट है कि हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया तो कब मनाया गया 12 अप्रैल को कब मनाया गया 12 अप्रैल को नेक्स्ट है कि 9 अप्रैल 2021 को कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क अभियान की शुरुआत करने वाला राज है तो जो मास्क अभियान है मास्क अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य कौन राज्य कौन तो राज है तो उड़ीसा राज्य है ठीक है इसे दोबारा देख लीजिए कि नौ अप्रैल 2021 को जो है कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य कौन है तो उड़ीसा राज है सात अप्रैल दो को मंगल ग्रह पर अपने बीस वर्ष पूरे करने वाला अंतरिक्ष यान कौन है तो उसका नाम क्या है तो मार्स उसका नाम है क्या नाम है उसका मार्स ओडिसी उसका नाम है मार्स ओडिसी उसका नाम है नेक्स्ट है कि वह फिल्म अभिनेता जिसे हाल ही में पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो उनका नाम क्या है तो उनका नाम है सोनू सूद क्या नाम है सोनू सूद उनका नाम है किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की है तो उपभोक्ता मामले खाद और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ठीक है नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला हाल ही में भारत का पहला डिस्क फूड चमगादड़ हाल ही में भारत का पहला डिस्क फूड चमगादड़ जिस राज्य में खोजा गया वह राज्य कौन है तो मेघालय राज्य में जो है पहला डिस्क फूट चमगादड़ खोजा गया है ठीक है नेक्स्ट है कि वह देश जिसकी स्पेस एजेंसी के इंजीन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है तो जो आपके इंजीन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर है किस स्पेस एजेंसी का था तो नासा का था ठीक है नासा का था और नासा किस देश की एजेंसी है तो यूएसए की एजेंसी है ठीक है संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में एक अप्रैल 2021 से कुशल मजदूर की मजदूरी में कितने रुपये वृद्धि की गई है तो तीन सौ प्रतिदिन कुशल मजदूरों की वृद्धि की गई है वह देश जो अप्रैल 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना है तो इजराइल बना है वह केंद्र शासित प्रदेश जिसे हाल ही में छः रोग याद रखेगा हाल ही में छः रोग मुक्त घोषित किया है तो लचदीप ने अपने आप को छः रोग से मुक्त घोषित किया है जबकि ये बिहार वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे मार्क कर लीजिएगा ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट है कि वह भारतीय अभिनेता जिसे हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोबल ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है तो अक्षय कुमार को हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय नाविका है तो नाविक है तो कौन है नेत्रा कुमनन है कौन है नेत्रा कुमनन हाल ही में जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविका कौन थी तो नेत्रा कुमनन तीस नोट कीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाल ही में यू ए ने यू ए ने देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया है तो उसका नाम क्या है नोरा अल मतरोसी ठीक है सऊदी अरब अमीरात ने जो है देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया है तो नौरा अल मातरोसी को ठीक है वह बैंक जिसने हाल ही में सुदर्शन सेन समिति का गठन किया तो आर ने हाल ही में सुदर्शन सेन कमेटी का गठन किया है 31 मार्च दो हज़ार इक्कीस को बिहार के मिथिला की वह पहली बुजुर्ग महिला जिसने परंपरा के विरुद्ध जाकर जन कल्याण हेतु मरणों उपरांत दान किया तो उनका नाम क्या है लक्ष्मी सागर निवासी वसुधा कहाँ के निवासी हैं लक्ष्मी सागर निवासी उनका नाम है वसुधा कहाँ की हैं दरभंगा की हैं ठीक है दरभंगा की हैं नेक्स्ट है कि तीस मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया तो कहाँ पर किया गया है आई आई एम जम्मू में किया गया है आई आई एम जम्मू में किया गया है चौबीस मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और किस देश के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार एवं सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई है तो अफगानिस्तान के दी गई थी जब उस समय लोकतंत्र की सरकार थी अफगानिस्तान में तब ठीक है नेक्स्ट है कि 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का फैसला किया है तो भारत के साथ में 22 मार्च 2021 को आयोजित बिहार दिवस की थीम क्या थी जल जीवन हरियाली थीम थी जल जीवन हरियाली थीम थी बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अकाइब्स द्वारा सम्मानित किया गया तो कैसे सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को नेक्स्ट है कि 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गूगल द्वारा लॉन्च किया गया वेब पोर्टल है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है वोमेन बिल वोमेन बिल इसका नाम रखा गया फिर से देख लीजिए आठ मार्च दो को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है गूगल द्वारा लॉन्च किया गया बेब प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या रखा गया है जो बेब प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या रखा गया है तो वोमेन बिल वोमेन बिल के नाम से एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है आठ मार्च 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है तो आंध्र प्रदेश राज्य कौन है, है? आंध्र प्रदेश राज्य नोट कीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय वर्ष दो हज़ार के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है आंध्र प्रदेश है हाल ही में मिशन सागर चार के तहत अनाज और दवाई लेकर मेडागास्कर पहुंचने वाला भारतीय जहाज़ का नाम क्या है तो उसका नाम है आई एन एस आई एन एस जल क्या नाम है आई एन एस जल उसका नाम है वह राज्य जिसने जानवरों के लिए भारत का पहल भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है तो आंध्र प्रदेश ठीक है वह राज्य जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है तो आंध्र प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है तो केरल बना है कौन बना है केरल बना है वह बैंक जिसने हाल ही में महिला उद्यमियों को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए इस्माटअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो एच बैंक के द्वारा लॉन्च किया, किया, किया गया है वह बैंक जिसने हाल ही में महिला उद्यमियों को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए स्मार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एच बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है वह पोर्टल जिसे केंद्र सरकार घरेलू निवेशकों के लिए सूचना प्रसार और सुविधा हेतु विकसित कर रही है तो उस पोर्टल का नाम क्या है तो आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल है फिर से देख लीजिए वह पोर्टल जिसे केंद्र सरकार घरेलू निवेशकों के लिए सूचना प्रसार और सुविधा हेतु विकसित कर रही है तो उस पोर्टल का नाम क्या है तो आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल उसका नाम है वह देश जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया तो किस देश ने जो है पहला सैन्य अभ्यास जो है अंतरिक्ष में किया है तो फ्रांस फिर से देख लीजिए वह देश जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया है वो कौन सा देश है तो फ्रांस देश है वह राज्य जिसने हाल ही में निजी क्षेत्र में पचास हज़ार रुपये से कम ध्यान रखिएगा पचास हज़ार रुपये से कम वेतन वाली सेवेंटी फाइव परसेंट नौकरियाँ स्थानीय तो लोगों के लिए आरक्षित किए जाने की घोषणा की है तो किस राज्य ने यह घोषणा किया है तो हरियाणा राज्य ने यह घोषणा किया है हरियाणा राज्य ने यह घोषणा किया है नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में बिहार सरकार ने राज्य में पराली जलाने वाले किसानों को कितने वर्षों के लिए जो है राज्य की सभी सरकारी योजनाओं से वंचित करने का निर्णय लिया है तो तीन वर्षों के लिए सभी सरकारी योजनाओं से वंचित करने का निर्णय लिया है जो भी किसान अगर पराली जलाते हैं फरवरी 2021 में उत्तर भारत ध्यान रखिएगा उत्तर भारत का पहला आदर्श एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र बनकर तैयार हुआ है तो कहाँ पर तैयार हुआ है पूर्णिया ज़िला में बनकर तैयार हुआ बिहार के पूर्णिया में नेक्स्ट है कि छब्बीस फरवरी दो को तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य के किस समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित किया तो बनियार समुदाय को बनियार समुदाय को लेकिन आपको याद होना चाहिए वर्तमान में कि जो बनियार समुदाय को आरक्षण दिया गया था शायद कोर्ट के द्वारा इसे जो है निरस्त कर दिया गया है एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को ठीक है 25 से 28 फरवरी 2021 तक बिहार के किस जिले में उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया तो 25 से 28 फरवरी 2021 तक जो है बिहार के पटना ज़िले में जो है उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया था 19 फरवरी 2021 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़कर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है तो लक्षद्वीप में ठीक है 19 फरवरी 2021 को जो पर्यावरण मंत्री थे उनका नाम था प्रकाश जावड़कर ठीक है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है बहुत चर्चित हैं मर्ची जो मंत्री हैं बहुत ही चर्चित हैं अभी हाल ही में कोप छब्बीस में शामिल होकर आए हैं नेक्स्ट है कि सोलह फरवरी दो को बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निर्धन हो गया तो एम रामा जोइस को एम रामा जोइस जो राज्यपाल थे इनका निर्धन हो गया ठीक है थीके? नेक्स्ट है कि चार फरवरी 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक एवं भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी की स्वामी जयंती मनाई गई जोशी किस घराने से संबंध रखते थे तो जो जोशी थे इनका संबंध था किराना घराना से किराना घराना से जोशी का संबंध था नेक्स्ट है कि वह खिलाड़ी जिसे बीसीसीआई की विजय हजारे ट्रॉफी के लिए राजस्थान का कप्तान बनाया गया उनका नाम क्या था तो उनका नाम है अशोक मिनारिया अशोक मिनारिया राजस्थान पी के लिए इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है कि वह राज्य जो हाल ही में मध्य प्रदेश के बाद बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है तो आंध्र प्रदेश राज्य है पहला कौन है पहला आपके मध्य प्रदेश है और दूसरा आंध्र प्रदेश है नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया तो लेह में जो है एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है आप सभी लोग को कमेंट करके बताना है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा जाएगा उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा जाएगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसने हाल ही में ज़मीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का सोलह अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता का नवासी वर्ष की उम्र में निर्धन हो गया तो कैप्टन हरी सिंह थापा का कैप्टन हरी सिंह थापा का नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास प्रेरणा को क्रियान्वित करने की घोषणा की है तो ओ कंपनी ने ओ कंपनी ने ठीक है जनवरी 2021 में बिहार से संबंधित वह बाल का जिसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया तो उनका नाम क्या है तो ज्योति कुमारी फिर से देख लीजिए जनवरी 2021 में बिहार से संबंधित वह बालिका जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया उनका नाम क्या है ज्योति कुमारी तो आपके सेकेंड पार्ट था एक पार्ट और आएगा ठीक है इसका इसका एक पार्ट और आएगा तो आप लोग तीनों पार्ट को देख लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा जो तीसरा पार्ट है उसमें ज़्यादातर जो करेंट होंगे बिहार स्पेशल ज़्यादातर करेंट उसमें है ठीक है जो बी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे तो आपका वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू